एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीबी वधवा पर। मैं सीबी वधवा फिर आपके साथ। जैसा कि हमने अपने पिछले टॉपिक के अंदर, पिछले लेक्चर के अंदर हमने क्या देखा था, हमने लेक्चर देखा था व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस क्या है, व्हाट आर द टोटल टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के टोटल टाइप्स क्या है, जिसके अंदर हमने एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में हमने पढ़ा। अब आज हम एक ऐसा सेंटेंस लेकर आ रहे हैं जिसको लेकर स्टूडेंट को बहुत बार कंफ्यूजन रहता है और कंपटीशन एग्जाम के अंदर कई बार सेंटेंस आ जाता है। उस सेंटेंस के अंदर हमें सिलेक्ट करना पड़ता है कि व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन फॉर सेंटेंस। यस, एक्सक्लेमेटरी, जैसे कि इसके नाम से पता है स्टूडेंट्स, एक्सक्लेम वर्ड होता है। एक्सक्लेम, एक्सक्लेम को हम क्या कहते हैं, विस्मय या क्या वर्ड बोलते हैं, हैरान, विस्मय या हैरान, विस्मय या हैरान, इसका मीनिंग आप समझ जाएंगे। विस्मय या हैरान का मीनिंग क्या होता है कि सेंटेंस विस्मय या हैरान, इस सेंटेंस का मीनिंग कि सेंटेंस के अंदर, इस टाइप के सेंटेंस के अंदर जिसको आप क्या कहते हैं, विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। मतलब विस्मय मीन हैरानी का जो बोध कराए। When we will find the emotions in a sentence, किस टाइप का emotions? When we need, जब हमें जरूरत होती है to express, व्यक्त करने की, strong, मजबूत and sudden, sudden mean क्या होता है, अचानक, जब हमें कोई मजबूत और अचानक फीलिंग, भावना की, किस तरह के भाव की, जैसे कि सरप्राइज, सरप्राइज क्या होती है, हैरानी, सोरो दुख, एक सेंटेंस के अंदर जब हमें सरप्राइज मिले, सोरो का भाव मिले, इमोशंस मिले, जॉय मीन क्या मिले, खुशी, एंगर मीन क्या होता है, क्रोध, कंटेंप्ट मीन क्या होती है, घृणा जिसको आप नफरत कहते हैं, या हैट्रेड मीन क्या होती है, दुश्मनी, एक्सेट्रा इत्यादि। वी यूज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हम इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको पता चले कि, जिसके अंदर आपको पता चले कि इसके अंदर सेंटेंस में क्या चीज है। यस, हम एग्जाम में कंपटीशन टेस्ट के अंदर कई बार तो सेंटेंस देकर आपको चार ऑप्शन दिए जाते हैं कि सिंपल सेंटेंस है, नेगेटिव है, एफर्मेटिव है, या इंपेरेटिव है, या एक्सक्लेमेटरी है। एक मेथड तो होता है वो, और एक क्या होता है, जैसे आपको एक सेंटेंस दे दिया, जैसे मैंने सेंटेंस लिख दिया, हुर्रा आई हैव वॉन द मैच। हम कंपैरिजन करेंगे दो तीन सेंटेंस से, एक सेकंड हो गया, जैसे अलास आई हैव फेल्ड, अलास आई हैव फेल्ड। थर्ड, हाउ फैट टंटन, हाउ फैट टंटन इज। अब इस थ्री सेंटेंस आपको यहां पर दिए गए हैं, ये भी सेंटेंस, लेकिन इसमें हमने फाइंड आउट ये करना है कि हर सेंटेंस के अंदर हमारा इमोशंस क्या है, हमारी फीलिंग क्या है इसके अंदर। फीलिंग हुर्रा वर्ड जो आ जाए सेंटेंस के अंदर, तो आपकी हमेशा जो फीलिंग पाएगी इसमें किसकी पाएगी, जॉय की, खुशी की। तो आप यहां से गैस कीजिए, हुर्रा वर्ड के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, आई हैव वॉन द मैच, इस तरह का सेंटेंस आ जाए, हुर्रा आई हैव वॉन द मैच, जॉय, खुशी है इस सेंटेंस में। इस सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। लेकिन इसके अंदर इमोशंस की बात आ जाए कि इसमें इमोशंस कौन से है, तो आप क्या करेंगे, जॉय, यानी इस सेंटेंस में क्या है, खुशी, खुशी की बात है। अलास, अलास में क्या, अलास मीन किसकी बात, यहां पर अलास आई हैव फेल, हाय मैं फेल हो गया हूं, तो यहां पर किसकी बात है, फेल हुआ है, तो मतलब सोरो की बात, दुख की बात। तो इस तरह से हमारा हुर्रा वर्ड किसके साथ कनेक्ट हो जाता है, जॉय वर्ड के साथ, खुशी के साथ, अलास वर्ड किसके साथ हो जाता है, सोरो के साथ। इस तरह से इनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है, और इसके अंदर फीलिंग क्या है, वो सोरो। How fat and
हम मार्केट के अंदर कहीं भी किसी का बहुत ज्यादा मोटा पेट देखते हैं तो हम कॉमन सी बात है कि हम क्या कहते हैं हाउ फैट टन टन इज, जिसका बहुत मोटा पेट होता है उसको कहते हैं हाउ फैट टन टन इज, कितनी मोटी टन टन है। तो इट मींस यहाँ पर साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है, लेकिन इस सेंटेंस में क्या चीज है, इस सेंटेंस में है सरप्राइज, मतलब आपको उसका पेट देखकर क्या हो रही है हैरानी। तो इस तरह के सेंटेंस को आप माइंड में सेट कीजिए हाउ फैट टन टन इज, कितनी मोटी टन टन है। इसी तरह से हम एक या दो एग्जांपल और लेते हैं। इसी तरह के एग्जांपल ले रहे हैं जैसे व्हाट ए ट्रेजिक एंड, नेक्स्ट हाउ डेयर यू, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, नेक्स्ट ले रहे हैं हाउ ब्यूटीफुल, यहां पर व्हाट ए ट्रेजिक एंड, कितना दर्दनाक अंत, कितना दर्दनाक अंत, ट्रेजिक वर्ड को क्या बोलते हैं दर्दनाक, व्हाट ए ट्रेजिक एंड, कितना दर्दनाक अंत है। तो इसके अंदर हमें इसको देखकर क्या हो रहा है रिग्रेट, रिग्रेट में क्या होता है खेल प्रकट होना या पश्चाताप, इसकी हिंदी होती है। तो व्हाट ए ट्रेजिक एंड, कितना दर्दनाक अंत है, इट मींस सेंटेंस कौन सा एक्सक्लामेटरी, लेकिन इसमें इमोशंस क्या है रिग्रेट। आपको ध्यान रखना, आपको ऑप्शन मिलेंगे जॉय वर्ड मिलेगा ऑप्शन में, आपको ऑप्शन के अंदर जॉय मिलेगा, सोरो मिलेगा, रिग्रेट मिलेगा और वर्ड आपको सरप्राइज मिलेगा। तो आपको क्या है व्हाट ए ट्रेजिक एंड, ट्रेजिक वर्ड शो कर रहा है रिग्रेट को, दर्दनाक। हाउ डेयर यू, एंगर, कई बार हम क्या होता है हमें गुस्सा आता है, जैसे कहते हैं हाउ डेयर यू, आपने ये साज कैसे किया, हाउ डेयर यू इंसल्ट मी, क्वेश्चन मार्क के अंदर जाते हैं उस सेंटेंस में, लेकिन यहां पर हाउ डेयर यू, आपने ये साज किया, आपने ये साज कैसे किया, तो हाउ डेयर यू, लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन एंगर, एंगर मीन क्रोध या गुस्सा। हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर, किसी चीज को देखकर हमें खुशी मिलती है, जॉय, हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर, सरप्राइज भी है इस सेंटेंस के अंदर, सरप्राइज या जॉय वर्ड, इसके अंदर हम सरप्राइज की अगर बात कर रहे हैं हैरानी हो रही है, हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर। तो इस तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर सेंटेंसेस को रिकॉग्नाइज करना और सेंटेंस के बारे में पढ़ना बहुत अच्छे ढंग से हमने पिछली वीडियो के अंदर अपनी सिंपल सेंटेंस के बारे में अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में पढ़ा था। अब हमारी सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसके बाद हमारा एक और टाइप है जो अगले लेक्चर में आपको करवाएंगे। थैंक यू, आप इसी तरह से हमारी वीडियो को देखते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, वीडियो को लाइक करते रहे। थैंक यू।